नमस्ते आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है आप कांटेक्ट कर कर अपने नाम से हवन बुकिंग ले सकते हैं और एंसेस्ट्रल हीलिंग हवन है हमारे यहाँ काली माँ हवन शिव जी हवन दुर्गा माँ हवन विष्णु जी हवन ऐसी कई अन्य प्रकार के हवन हैं और अन्य अलग अलग प्रकार की पूजा सेवाएं भी उपलब्ध हैं तो ये सब कराए जाते हैं पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ताकि आपके रुके हुए काम बन जाए और अगर कोई देरी हो रही है तो वो देरी ना हो और अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट है मन मुटाव या झगड़े हैं रिश्तों में या काम में तो उसको निजात पाने के लिए और आपके मन को एक क्लैरिटी मिले मन में एक बैलेंस आए ताकि आप सही निर्णय ले सकें इस प्रकार से हमारे हवन आपकी हेल्प करते हैं तो अगर आप इस प्रकार की हवन लेना चाहते तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे और भी सेवाएं अलग अलग प्रकार की सर्विसेज अवेलेबल हैं तो वो आपको व्हाट्सएप पर डिटेल्स दे दी जाएंगी अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर तो आज की रीडिंग है कि क्या है विधि का विधान तो यहाँ पे मुझे लगता है आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें काफ़ी चेंजेस चल रहे हैं हालांकि आप मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनती इंसान हैं आप इंडिपेंडेंट इंसान भी हैं मतलब जॉब करते हैं करियर में तो मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी ठीक है पर लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ है ख़ासकर मुझे लगता है कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं मतलब बहन भाई हैं तो उसमें काफ़ी मन मुटाव है एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, है ना तो यहाँ पे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत होगी है कि ये सब चीज़ें आपके जो लाइफ में हो रही हैं वो हो रही हैं एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से ठीक है जो पित्र कर्म होते हैं या पितृ दोष होता है या अगर दोष नहीं तो क्या होता है कभी कभी पित्रों की कर्म होते हैं वो हमारे कैरी हो जाते हैं ना उस वजह से आपके ये मनमुटाव चल रहे हैं ठीक है ठीके? तो पहले तो आप जो शांति हवन है आप वो ले सकते हैं हमारे चैनल से वो आपको बहुत फ़ायदा देगा आपको आपकी जो लाइफ है और ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसमें आप चीज़ों को सही तरीके से देख पाएंगे और आपको सही डिसीजन लेने मिलेगा तो एक तो बात हो गई इसका जो रीज़न है आपके पितृदोष या एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से और दूसरी बात यहाँ पे ये है मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो लाइफ है बहुत डिफ़िकल्ट रहा है डिफ़िकल्ट का मतलब ये है बहुत अकेलापन रहा है आपकी लाइफ में है ना अकेलापन इन द सेंस मतलब आपको एक मानसिक अकेलापन था ठीक है ये बचपन से ही रहा आपके साथ हालांकि आपके और पास लोग थे आपके माता पिता थे या गार्जियन या जिनके साथ भी रहते हैं वो थे पर वो कहीं ना कहीं आपके साथ अन्याय कर बैठे अनजाने में ही और यही होता है जब आपका एक एंसेस्ट्रल कर्मा किसी के साथ जुड़ा हो पितृदोष किसी के साथ जुड़ा हो है ना तो वो जो एक आपके आपको जस्टिस नहीं मिला न्याय बराबरी का दर्जा नहीं मिला आपके घर में बचपन में है ना तो बचपन तो जैसे तैसे आपका कट गया लेकिन वो जो दोष था वो परवरिश का जो एक एरर होता है वो दोष आपके जीवन में आगे आगे कैरी होता गया ठीक है तो अब विधि का विधान ये है कि आपको न्याय मिलना है ठीक है देखो बैलेंस तो हर किसी की लाइफ में आता ही आता है है ना कोई भी लाइफ में देखो कभी ऐसा नहीं होता है कि बैलेंस ना मिले न्याय ना मिले है ना तो अगर आपकी लाइफ में ये जो अब कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख रहे हैं ये लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं ये सब हो रहे हैं वो ही बैलेंस लाने के लिए क्योंकि क्या है अभी तक तो ये चीज़ें ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई टाल टाल कर या ठीक है ठीक है अरे जाने दो जाने दो जाने दो है ना हर इंसान अपने जीवन में यही करता है छोटी छोटी बातों को जाने देता है जाने देता है जाने देता है ना तो जाने देने जाने देने से क्या हुआ है कि अब वो जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ी बन गई है ना आपको समझना होगा यहाँ पे जैसे कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को आ, ना काटें ना साफ करें अगर आप देखिए डेली अपना घर साफ नहीं करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपके घर में बहुत धूल हो जाएगी और बहुत जाले लग जाएंगे है ना तो यहाँ पे क्या हुआ आपने छोटी छोटी बातों को दबा कर रखा सामने वाले ने भी हर बात में जैसा भी व्यवहार किया हो वो चीज़ें सामने नहीं आई कोई अपने दिल की बात नहीं बोल पाया कोई अपने हक़ की बात नहीं बोल पाया कोई सही बात नहीं बोल पाया कोई सही न्याय नहीं कर पाया सही डिसीजन नहीं ले पाया उसकी वजह से आज वो चीज़ें इतनी बबरावान हो गई हैं इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो अब कॉन्फ्लिक्ट में बदल गई हैं लड़ाई झगड़े में बदल गई है ना हालांकि ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इंसान हो कि आपके अंदर लालच है या कुछ आप चाहते हैं नहीं आपने जो पाया है अपने लाइफ में बहुत मेहनत से पाया है और आप पर जो बन पड़ा आपको कुछ ना मिला आपको कुछ नहीं दिया गया फिर भी आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कुछ बनने में या कुछ सीखने पाने में है ना तो इसके लिए क्या है ये आपका पर्सनल सफ़र है तो इसके लिए आपको दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर आपके जो फैमिली से आपको धोखा मिला है या जो भी मनमुटाव है या बचपन की जो यादें हैं वो आपको बहुत दुख देती हैं है ना और आपको ऐसा लगता है कि आपके ही जो सिबलिंग्स थे वो आपको ऐसा लगता है आपको बिल्कुल आस्तीन के सांप रहे वो बचपन की बातें तो छोटी छोटी होती है पर आज भी वो इतने बड़े आपको ऐसा लगता है कि दानव बन गए हैं आपके लिए है ना पर यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं है, है ना आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ भी एक रीज़न से है इसका रीज़न सिर्फ ये ही है विधि का विधान इतना ही है कि आपको एक बैलेंस न्याय इस्टेब्लिश करना है अपनी एंसेस्ट्री में है ना एंसेस्ट्रल दोष है या आपका पितृ दोष की वजह से ये चीज़ इम्बैलेंस हुई है है ना तो ये चीज़ बैलेंस लाने की ज़रूरत है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ एक तरफा व्यवहार हुआ है तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका भाई है या बहन है या सिबलिंग है जो भी हैं जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके साथ भी एक तरफा हुआ है है ना अब वो एक तरफ़ा क्या है जो क्वालिटीज़ आपने डेवलप करी है वो क्वालिटीज़ आपके सिबलिंग डेवलप नहीं कर पाए और वो कभी कर भी नहीं पाएंगे है ना क्यों क्योंकि वो लाइफ को उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं जिस नज़रिए से आप देख लेते हैं तो ये जो है ये भी एक तरीके का बहुत इम्बेलेंस और अन्याय है कि जो आपने एक स्किल और टैलेंट और जो गुण आपको दिए हैं यूनिवर्स ने भगवान ने वो आपके सिबलिंग को नहीं मिले हैं भाई को नहीं मिलेंगे है ना तो इस तरीके से क्या है ये चीज़ें ऐसे बैलेंस होती हैं किसी को कुछ चीज़ मिल जाता है तो कुछ चीज़ उसके लिए छूट जाती है और आपके लिए अगर कुछ चीज़ छूटी है तो आपको कुछ चीज़ मिली होगी तो अब क्या है अब जब ऐसे लाइफ कट गई है तो अब ये मांगता है बैलेंस है ना तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ काम करना है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है आप किसी को दानव या डेविल ना समझें किसी को अपने लाइफ का ऐसा ना समझे कि वो आपका दुश्मन है है ना क्योंकि वो दुश्मन नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अधूरा हिस्सा है तो आपको ये समझ कि अगर आप काम करेंगे तो आप लोग बैलेंस हो पाएंगे है ना तो इसके साथ साथ आपको ये है समझदारी से काम करना है और आई होप कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो और आप लोगों में जो भी है हिस्सेदारी है या बातचीत करके आप चीज़ों को निपटा लें और शांति और सद्भावना आए एक दूसरे के लिए और अगर आप हमारे चैनल से वो लेना चाहते हैं शांति हवन और सद्भावना ताकि आपके रिश्तों में शांति आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं पितृ शांति हवन लेना चाहते हैं तो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और भी जो हमारे हवन हैं काली माता हवन दुर्गा माँ हवन शिवजी हवन विष्णु हवन ऐसे अन्य प्रकार की जो हवन सेवाएं हैं जो इस समय इस समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत बेनिफिट कर सकते हैं क्योंकि आप एक कॉन्फ्लिक्ट के बीच में फंसे हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें और अपने नाम की बुकिंग लें आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में